हेलो एवरीवन, कल मैंने वीडियो बना के आप सभी को इन्फॉर्म किया था कि एसएल के फर्स्ट सेमेस्टर के सभी कोर्सेज की ऑनलाइन क्लासेस 6 जनवरी 2022 से स्टार्ट होंगी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप के थ्रू। और इसके रिगार्डिंग जो क्लासेस का ऑनलाइन शेड्यूल है वो भी एसएल की वेबसाइट पे मैंने आपको दिखा दिया था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो शेड्यूल है उसको देखने में इशूज आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि यहाँ पे एक ही क्लास, एक ही सब्जेक्ट के 2-3 टीचर क्लास ले रहे हैं तो हमें कौन सी अटेंड करनी है। इसी तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये भी क्वेरी आ रही है कि हमारे 2 सब्जेक्ट की क्लास की टाइमिंग सेम है तो हमें कौन सी क्लास उसमें से अटेंड करनी है। इस तरह की क्वेरी स्टूडेंट की आ रही है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से आपको अपना शेड्यूल या फिर टाइम टेबल जो है देखना है और किस तरह से अपने क्लासेस आपको अटेंड करनी है। तो शेड्यूल आपको एसएल की वेबसाइट पर मिलेगा, sol.du.ac.in। और यहाँ पर आपको जाना है कॉन्टिन्यूटी वेबसाइट पर। अगर आप मोबाइल फोन में ओपन कर रहे हैं तो नीचे स्क्रोल डाउन करने पर आपको एक लिंक यहाँ पर मिल जाएगा ऑनलाइन क्लासेस का। इसी लिंक पर आपको जाना है। तो इस तरह से आपकी ऑनलाइन क्लासेस का शेड्यूल यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी ये आ रही है कि यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट की क्लासेस एक से ज़्यादा बार दी हुई है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे हिस्ट्री की क्लासेस यहाँ पे भी है, यहाँ है और यहाँ पे भी है। इसी तरह से ऊपर भी आपको एक आध जगह हिस्ट्री की क्लासेस मिल जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे भी हिस्ट्री की क्लासेस दी हुई है। अब स्टूडेंट्स ये क्वेरी ये कर रहे हैं कि यहाँ पे 4 हिस्ट्री की क्लासेस है, इसमें से हम कौन से ज्वाइन करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2 जो क्लास है वो इंग्लिश मीडियम की है, ये वाली और ये वाली, और यहाँ पे 2 क्लास जो है हिंदी मीडियम की है। तो अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आप इंग्लिश मीडियम वाली क्लास ज्वाइन करें, और आपका हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी मीडियम वाली क्लास ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पे भी इशू आ सकता है कि यहाँ पे हिंदी मीडियम की भी 2 क्लास हैं, हम कौन सी ज्वाइन करें। तो देखो बीए प्रोग्राम में होता क्या है, स्टूडेंट्स का नंबर बहुत ज़्यादा है, इसलिए एक सब्जेक्ट की क्लासेस एक से ज़्यादा टीचर्स लेते हैं ताकि सभी स्टूडेंट जो है ईजिली क्लास को अटेंड कर पाएँ। तो आप इन दोनों में से जो भी आप टीचर आपको पसंद आता है, उनकी क्लास पसंद आती है, वो क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी इशू नहीं है, दोनों में से कोई भी क्लास अपने अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आ रही है कि हमारे 2 सब्जेक्ट की क्लासेस एक ही टाइम पे। जैसे यहाँ पे देखिए कोई स्टूडेंट कह रहा है कि मेरी पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री सब्जेक्ट है। अब पॉलिटिकल साइंस की क्लास भी 10 बजे है और हिस्ट्री की क्लास भी 10 बजे, तो इनमें से कौन सा हमें क्लास जो है ज्वाइन करनी है। तो ये जो है बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है मोस्टली। तो आप जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उनके 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट होते हैं। अब इन 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स में से जो डिसिप्लिन 1 का सब्जेक्ट है उसकी क्लासेस की डेट अलग है, जो डिसिप्लिन 2 है उसकी क्लासेस की डेट जो है अलग है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक कैसे करनी है, तो आपको अपना टाइम टेबल देखना है। टाइम टेबल कहाँ से देखेंगे, यहाँ पे आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा UGPCP क्लासेस टाइम टेबल 2021-2022। इसी पे आप जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। जैसे मान लीजिए आपका बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है, मोस्टली क्वेरी जो है बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स की आ रही है। तो पहले मैं बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स का टाइम टेबल यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। तो देखिए बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स का टाइम टेबल है सेमेस्टर 1 का, और यहाँ पे 2 तरह की डेट्स आपको मिलेंगी। एक तो यहाँ पे ये डेट दिख रही है आपको 6 जनवरी, 8 जनवरी, 13, इसी तरह से 24 फरवरी तक यहाँ पे डेट्स दी हुई हैं। और दूसरी डेट्स ये हैं 7, 9, 14, 16, 25 फरवरी तक। तो ये अल्टरनेट डेट्स डेज पे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक लिखा है डिसिप्लिन 1 और एक लिखा है डिसिप्लिन 2। अब देखिए एजुकेशन यहाँ पे भी है, एजुकेशन यहाँ पे भी है। अब जो जैसे मान लीजिए डिसिप्लिन के अंदर जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे एजुकेशन है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इन सब की क्लासेस यहाँ 6 जनवरी को भी होंगी। और यहाँ पे देखेंगे एजुकेशन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, इन सब की क्लासेस 7 जनवरी को भी हैं। तो आपको अपने डिसिप्लिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है। जैसे मान लीजिए आपका डिसिप्लिन 1 का सब्जेक्ट एजुकेशन है, तो 6 जनवरी को आप एजुकेशन का सब्जेक्ट की क्लास ज्वाइन करेंगे। इस तरह से मान लीजिए आपका डिसिप्लिन 2 का सब्जेक्ट जो है वो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री की क्लास आप 6 जनवरी को ज्वाइन नहीं करेंगे, हिस्ट्री की क्लास आप 7 जनवरी को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब डिसिप्लिन सब्जेक्ट तो आपको पता कैसे चलेंगे कि डिसिप्लिन 1 का सब्जेक्ट कौन सा है, आपका डिसिप्लिन 2 का सब्जेक्ट कौन सा है। तो आप अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाएंगे, वहाँ पे आप कोर्स के सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपके सब्जेक्ट के आगे लिखा हुआ डिसिप्लिन 1 और डिसिप्लिन 2, उसके अकॉर्डिंग आपको ज्वाइन करना है। जनरली ये होता है आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं, एक है आपके पास इकोनॉमिक्स, दूसरी आपके पास हिस्ट्री। अब इकोनॉमिक्स में ई जो है एच से पहले आता है, तो इकोनॉमिक्स आपका डिसिप्लिन 1 का सब्जेक्ट हो गया और हिस्ट्री आपका डिसिप्लिन 2 का सब्जेक्ट हो गया। तो इकोनॉमिक्स की क्लास आप लेंगे यहाँ पे डिसिप्लिन 1 के दिन, यानी 6, 8, 13 इन डेट्स को, और जो आपका हिस्ट्री है उसकी क्लास लेंगे आप 7, 9, 14 इन डेट्स को। बाकी जो AECC सब्जेक्ट है उसमें आपके पास इनमें से कोई एक सब्जेक्ट ही होगा तो उसकी क्लास आपको ज्वाइन करनी है। और बाकी जो इंग्लिश या ML का सब्जेक्ट है उसकी क्लास आपको अलग डेट पे यहाँ पे दी हुई है, 2 बजे से 3 बजे के बीच में। तो इस तरह से आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग आपको क्लास ज्वाइन करनी है। इसीलिए आपको एक ही दिन पे यहाँ पे 6 जनवरी भी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन सबकी क्लासेस यहाँ पर दिख रही है, लेकिन आपका जो डिसिप्लिन 1 का सब्जेक्ट है उसकी क्लास आपको 6 जनवरी को लेनी है, और जो डिसिप्लिन 2 का सब्जेक्ट है उसकी क्लास आपको अल्टरनेट डेज जो बाकी दिन है, जो 7 जनवरी है, 9, इस तरह से आपको लेनी है। ठीक है, बाकी कोर्सेज की बात करें तो बीए ऑनर्स इंग्लिश का शेड्यूल जो है अभी टाइम टेबल वेबसाइट पर नहीं है, वो कुछ दिनों में अपडेट कर दिया जाएगा, उसका आप वेट करें।
बाकी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की अगर देखें तो इनमें जो कोर सब्जेक्ट होता है वो तो सेम ही होता है आपका, एक होता है आपका अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी फर्स्ट सेमेस्टर में, दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, तो ये आपके सेम सब्जेक्ट रहेंगे। इसी तरह से AECC में आपका ये इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होगा और जनरल इलेक्टिव में इन चारों में से कोई एक सब्जेक्ट होगा, तो आपको लेने में कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। एक इशू यहाँ पे हो सकता है कि BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की यहाँ पे दो क्लासेस एक बार दिख रही होंगी, तो उसको आप ध्यान से देखें, तो एक आपकी हिंदी मीडियम में होंगी और एक आपकी इंग्लिश मीडियम में होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी की यहाँ पे दो क्लासेस दिख रही हैं, तो इसमें से एक आपकी हिंदी मीडियम में चल रही होगी, एक आपकी इंग्लिश मीडियम में चल रही होगी। अगर मान लीजिए दोनों इंग्लिश में ही चल रही है, दोनों हिंदी में चल रही है, तो दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट की क्लास, दोनों में से किसी भी टीचर की क्लास आप ले सकते हैं, कोई वहाँ पर दिक्कत नहीं है। इसी तरह से अगर बाकी कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे BCOM ऑनर्स की अगर देखें तो इनमें भी सेम एक ही सब्जेक्ट होता है कोर में सभी स्टूडेंट्स का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और कोर टू में बिजनेस लॉ सभी स्टूडेंट का होता है। इसी तरह से AECC और जो जनरल इलेक्टिव है उसमें एक ही सब्जेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप अपनी क्लासेस ले सकते हैं, कोई यहाँ पे इशू नहीं होना चाहिए। इसी तरह से BCOM के स्टूडेंट्स में देखें तो इनमें बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो क्लास है वो दो टीचर यहाँ पे ले रहे हैं, तो इनमें से जो भी क्लास आप लेना चाहते हैं उस अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। इसी तरह से जो कोर टू है उसमें सेम एक ही सब्जेक्ट है, और बाकी AECC और इंग्लिश एंड MIL इनमें से कोई एक सब्जेक्ट ही आपका होगा, तो उसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखें, आपको रिप्लाई किया जाएगा। यहाँ पर जो क्लासेस दी हुई इसको देख के आप कन्फ्यूज ना हो, जो आपका टाइम टेबल दिया हुआ है, जो मैंने यहाँ पर टाइम टेबल दिखाया, ये टाइम टेबल आप चाहें तो SOL की वेबसाइट पर आकर देख लें, या जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है या टेलीग्राम चैनल है @SOLReporter, वहाँ पे मैं इसको शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो इंस्टाग्राम पेज है और कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पे भी मैं इसको शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप इसको जाके देख सकते हैं। तो इस जो आपका टाइम टेबल है इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी क्लासेस लेनी है। जो आपके स्टूडेंट्स हैं फ्रेंड हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, जो अभी परेशान हो रहे थे हमें सब्जेक्ट किस तरह से यहाँ पे देखें, तो उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। बाकी और कोई क्वेरी है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखें, आगे जो भी अपडेट्स होंगे उसके रिगार्डिंग वीडियोस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू।